पब्लिक टीवी आपकी आवाज। MHA, YES और YWWC के सौजन्य से श्रमिकों, कारीगरों और अशिक्षित लोगों की कोविड वैक्सीनेशन में सहायता के लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहला कैंप रविवार को नोदी एक्सपोर्ट दिल्ली रोड मुरादाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी विजयनाथ टंडन के कर कमलों द्वारा फीता काट कर किया गया। इस कैंप में करीब 150 लोगों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट किया गया। इस दौरान MHA के संरक्षक नजमुल इस्लाम, नोदी एक्सपोर्ट के स्वामी, EPCH के COA और YES के नेशनल चेयरमैन, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के सचिव और खत्री सभा के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज खन्ना, YES के चेयरमैन विशाल अग्रवाल, YES के महासचिव रोहित ढल, YES के नेशनल सेक्रेटरी JP सिंह, नोदी एक्सपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश खन्ना भी उपस्थित रहे। बताया गया कि ये कैंप अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और यंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा नोदी एक्सपोर्ट में जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और यहाँ पर कारीगरों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए जो कार्य किया है श्री नीरज खन्ना जी द्वारा, यह कोई नया कार्य नहीं है। इससे पहले भी श्री नीरज खन्ना जी द्वारा विवेकानंद ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर वर्चुअल द्वारा एक उद्घाटन किया गया था जो कोविड के लिए, विवेकानंद के लिए, जिसमें माननीय श्री मंत्री जी द्वारा, श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा और उसके अलावा भूपेंद्र जी, माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घाटन पहले ऑलरेडी हो चुका है। श्री नीरज खन्ना जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है, जो कि हॉस्पिटल के लिए, अपनी एशियन के लिए, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोजिशन के लिए, सब खत्री सभा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं, कोविड के पीरियड में जो इन्होंने कार्य किया है वो एक अद्भुत कार्य है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने पूरे परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि हमारे जो शिव बड़े भाई विनोद खन्ना जी अब नहीं रहे हैं, उनको भगवान ऊपर वाला एक स्वर्ग में बहुत अच्छी जगह दे, यही मेरी शुभकामना है। और नीरज खन्ना जी द्वारा जो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि इनके द्वारा जो हॉस्पिटल में कितने लोगों की जान बची है, वो भी एक सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश देता हूँ, मुरादाबाद के निरातों के लिए, मुरादाबाद की जनता के लिए, कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके लिए ये अपना पूरा 2-3 घंटे का समय रोज़ाना वहाँ पर दे रहे हैं, वो भी एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। मैंने अपनी आंखों से स्वयं जाकर वहाँ पर देखा कि वहाँ का इंतज़ाम, डॉक्टरों का, हर तरह का, हर सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। और जैसा कि अभी जो तीसरे फेज की तैयारी थी बच्चों के लिए, वो भी ऑलरेडी वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर नोएडा से बुला लिए गए हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर ही रहेगी और वहाँ पर 30 बेड बच्चों के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी फिर दोबारा से सभी जनता से अपील है कि कोविड का टीका अवश्य लगवाएं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, 18 वर्ष से ऊपर को सबको लगाना अनिवार्य है। और जैसे कि लॉकडाउन अभी 2 दिन का है, उसमें मैंने आज देखा कि लॉकडाउन का पालन बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है, जगह जगह पुलिस, जगह जगह कोई भी बाजार नहीं खुल रहे हैं। मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि इसी तरह से लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, प्रशासन का, पुलिस का सहयोग दें। आज लोधी एक्सपोर्ट में MHA, YES और YES वंडर वुमन क्लब द्वारा एक कोविड रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन हमारे लखनऊ से आए हुए विजय टंडन जी ने करा। इस उद्घाटन का से सब लोगों को, लेबर को प्रेरित करना है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोविड का टीका लगवाएं और इस तरीके के आयोजन हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र में होता रहेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अपना टीका लगवाएं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सबके संरक्षक श्री नदम साहब उपस्थित थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और नीरज जी, रोहित ढल, JP जी, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि सब लोगों ने अपना इस कार्य के लिए कीमती समय दिया। नोदी एक्सपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को टीका कराने में या टीके के रजिस्ट्रेशन कराने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, उस दिक्कतों को तीनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समझकर यह निर्णय लिया कि साहब आज हमें जो ऐसे
कर्मचारी जो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनको यहाँ पर बुला करके निःशुल्क कैंप का आयोजन करा जाए। ये एक बहुत ही विशेष और सराहनीय कदम है। मैं तीनों संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों को इस बात का धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस कैंप से पूरे शहर में सभी निर्यातकों के, सभी आर्टिजनों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कैंप से जुड़े। और जोड़ने के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी निर्यातक स्वामी हैं वो लोग अपनी फैक्ट्रियों में हर हफ्ते कैंप लगाने की व्यवस्था कर के लिए आगे बढ़ें और इस तरह का कैंप से अपने आर्टिजन्स को, अपने कर्मचारियों को बहुत विशेष फ़ायदा होगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोविड से आप बचाव कर सकते हैं। पहले वैक्सीन है, फिर उसके बाद मास्क, फिर सोशल डिस्टेंसिंग। सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि ये तीनों चीज़ों का पालन करें। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।